और हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल। क्या क्या बात कही है, सुनिए। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं कतार में शामिल। पहले जो गुंडे होते थे वो हफ्ता वसूली करते थे, अब गुंडों से बड़े बड़े संत हफ्ता वसूली कर रहे हैं। बाकी के प्रदेश में पसारी नहीं पाओ अभी, अपनी भविष्य नहीं सोचती बेचारी है। और जाए भी तो कहां, सभी नाते रिश्तेदार मिले, इसीलिए मायावती आज भी कुआं। भाई देखिए क्या मुझ में एक बाल खड़ा हो गया उनके, अच्छा, ब्रह्मा जी के। तो उसको जब उन्होंने उखाड़ा तो वही उपाध्याय का जन्म हुआ। और फिर उसको हाथ में लेकर के, कोई आदमी ऐसे होता है कुछ लेकर तोड़ने उड़ने लगता है, तो ब्रह्मा जी जब उसको दो बार तोड़े, दुबे पैदा हुए, तीन बार तोड़े तिवारी हुए। भाई ये नोटिस करने वाली बात है, बिल्कुल बहुत बारीकी चीज पे चल रहे हैं सर, आप सुनिएगा। चलिए, दो बार दुबे, तीन बार तोड़े तिवारी, चार बार में चौबे, पांच बार में पाड़े, और उसको मिसे तो मिसिर, जोड़े तो जोशी, गिरे तो गिरी, सीधा किए तो शुक्र पैदा हुए। तब से ब्राह्मण कसम खेले कि मुर्गा तोहल के समूल नष्ट ना हो जाए, तो हमने खाए छोड़ जाना है। तब से ब्राह्मण खाए लगे, अब तोहल काहे खाए लो बताओ। और ये देखिए, बादशाह प्रेमी का घर है, पैसा तो नहीं कमाया लेकिन नाम बहुत कमाया इन्होंने, और काफी सारी चीजें देखिए, बड़ी खूबसूरत फुलवारी भी लगाई हुई है, बगल में बांस का भी बात ये कर रहे थे, तो ये देखिए बांसवाड़ी भी है। ये है इनका, ये देखिए संग्रहालय है, हर तरफ जो है, हर तरफ देखिए मेडल ही मेडल आपको देखेंगे, और चारों तरफ जो है ये देखिए, ये इस तरह से जो है पूरा ये कमरा भरा हुआ है, और आप देखिए हर तरफ से जो है मतलब सारी चीजें आप देखिए, मतलब कोई ऐसी मेडल ना हो जो इनको ना मिला हो। यही है सर देखिए, बादशाह कवि जी, और ये इनका छोटा सा जो है ऑफिस है, और यहीं पे देखिए ढोलक भी रखा हुआ है, बजाते हैं। तो देखिए कुछ सारी चीजें हैं जो इस समय विवादित खबरों में चल रहे हैं, बादशाह कवि जो है कुछ विवादित खबरों में चल रहे हैं, तो वो विवाद क्या चीज है थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताइए और क्यों विवादित है इसको भी जानिए, कि किन लहजों में किन पंक्तियों में इन्होंने उसको व्यक्त किया है और लोग क्या सोच रहे हैं, तो सर उन सारी चीजों को जरा सा बताने का प्रयास करें। देखिए मित्र, बात असल यह है कि हमने किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कहा, किसी जात किसी धर्म को लेकर के कोई कटाक्ष कोई व्यंग हमने नहीं किया, बिल्कुल केवल हंसने और हंसाने के निमित्त हमने हर लोगों को धोया है, हर लोगों को सजोया है, दोनों बातें मेरे साथ हैं। तो एक विवादित में एक छंद में पढ़ दिया था पहले, वो ददही मेले में इसके लिए कर रहे, बहुत विवाद खड़ा हुआ था मायावती पर, हमने छंद पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और छंद ऐसे हो गया कि जो संचालक थे वो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कवि को बुलाते हैं और ये ऐसे यहाँ से आते हैं जहाँ के लोग बहन जी कह के कुमारी छोड़ देते हैं। अब देखिए उनका सीधा सा व्यंग था, अच्छा अच्छा, मायावती पर, जबकि मैं आपको बता दूं ये देखिए ये है यहाँ का, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति बदायूं का है, देखिए ये बदायूं से उनको मिला था और उसी कार्यक्रम में गए थे। तो इन लोगों के कार्यक्रम में भी मैं जाता हूँ, तमाम सारे हर समाज के, चाहे वो कोई पार्टी पुर्टी से हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि कवि होने के नाते हमसे कोई कहता तो साहित्य के जवाब हमने जो दिया लोगों के जहन में बात नहीं आई और इससे विवाद खड़ा हो गया। मैं छंद पढ़ देता हूँ, सीधे सीधे सुन लीजिए कि जब उन्होंने कहा तो मुझे पता लगा कि क्यों नहीं बहन जी, तो हम लोग यूपी वाले लोग ने कहा, बाकी और प्रदेशों के लोग बहन जी नहीं कर रहे, उनको तो शादी करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से मैं छंद उठाता हूँ, सुनिएगा कि बेटी पंजाब की चहेती हरियाणा की, वो दिल्ली की भतीजी उत्तरांचल की दुलारी है। बेटी पंजाब की चहेती हरियाणा की, वो दिल्ली की भतीजी उत्तरांचल की दुलारी है। यूपी की बहन और भगिनी बिहार की, वो बस राजनीति नस नस में उतारी है। भाई मतलब बारीकियों को समझिएगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सुनते रहिएगा कि बेटी पंजाब की चहेती हरियाणा की, वो दिल्ली की भतीजी उत्तरांचल की दुलारी है। यूपी की बहन और भगिनी बिहार की, वो बस राजनीति नस नस में उतारी है। बाकी के प्रदेश में पसारी नहीं पाओ अभी, अपनी भविष्य नहीं सोचती बेचारी है। और जाए भी तो कहां, सभी नाते रिश्तेदार मिले, इसीलिए मायावती आज भी कुआं। भाई देखिए क्या मतलब क्या खूबसूरत अंदाज में इसको पिरोया है,
और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक और विवाद है वो ब्राह्मणों पर है, जरा ब्राह्मणों पर सुन लीजिए ना, क्या मतलब ऐसा कभी हम सुना रहे, मतलब ध्यान दीजिएगा। और इनका जो चैनल है, इनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि बादशाह कवि के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और आप जरूर सर्च करिएगा, दो पंक्तियां उसमें भी सर। देखिए असल ये कोई कविता नहीं है, लेकिन ये बहुत विवादित हो गया। मुझे लगता है कई मिलियन लोगों ने देखा, बहुत सारे चैनल के लोग आए हमारे पास ये पूछने के लिए कि अब ब्राह्मण की उत्पत्ति। देखिए एक, चूंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ और इस नाते में किसी का कत्ते में करबद्ध प्रार्थना भी करता हूँ कि किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जी जी। हमारे एक मित्र हैं यादव जी जी, तो उन्होंने एक बार हमसे पूछा कि अच्छा बाबा ये बताइए ये ब्राह्मण लोग कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न हुए। हमने कहा कि अब लोग कहते हैं अपने देहातों में कि अहिर बुझावे से मर्द कहा है। मैंने इनकी मति को, इनके दिमाग को कैसे हम समझा पाए, इसके लिए हमने एक नुस्खा निकाला। हमने जल्दी जल्दी मुझसे कह दिया, अचानक जवान से निकल गया। मैं मुझको पता भी नहीं था कि ये बात सही होगी गलती होगी क्या है। उनको केवल हंसने हंसाने के लिए हमने कह दिया कि देखिए हम ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी की मूछ से पैदा हुए। बिल्कुल। तो कहे मूछ से कैसे पैदा हुए। हमने कहा कि दरअसल मूछ में एक बाल खड़ा हो गया उनके ब्रह्मा जी के, तो उसको जब उन्होंने उखाड़ा तो वही उपाध्याय का जन्म हुआ। फिर उसको हाथ में लेकर के, कोई आदमी ऐसे होता है कुछ लेकर तोड़ने उड़ने लगता है, तो ब्रह्मा जी जब उसको दो बार तोड़े दुबे पैदा हुए, तीन बार तोड़े तिवारी हुए। भाई ये नोटिस करने वाली बात है, बिल्कुल बहुत बारीकी चीज पे चल रहे हैं सर, आप सुनिएगा। दो बार दुबे, तीन बार तोड़े तिवारी, चार बार में चौबे, पांच बार में पाड़े, और उसको मिसे तो मिसिर, जोड़े तो जोशी, गिरे तो गिरी, सीधा किए तो शुक्र पैदा हुए। ऐसे हम लोग देखिए बहुत ही शानदार। अगर कोई इन सारी चीजों को समझे ना, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उल्टा सोचेगा तो उल्टा समझेगा, सीधा सोचेगा तो मतलब सीधा ही आएगा, तो बहुत सारी चीजें। पाल साहब हमारे यहाँ है संजोग से एक ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो जी है जी जी। तो हम एक दिन वहाँ दवा लेने के लिए गए, 500 की नोट दिए, तो कहा कि उन्होंने कि देखिए कवि जी अभी तो फुटकर नहीं है मेरे पास, और कैसे होगा, तो बगल वाले मुर्गा की दुकान पर जाइए, वहां मिल जाएगा, छुट्टा मिल जाएगा। तो हम उसके पास जो जाके खड़े हुए, तो पाल साहब ने कहा कि ए बाबा अरे आपको चले लगा मुर्गा की दुकान, यहाँ पर मुर्गे खरीद, समझ लगे मुर्गे खरीदे आगे, वो आपको चले लगा तू खा लगा महाराज, हमने खरीद बोल लगा बट मुर्गा खाली ब्राह्मण खरीद बोल रहा, कैसे बोल पाऊंगे। देखा मुर्गा जाके राती के, आधा राती के गौतम ऋषि के घर पे बोल रहे। अच्छा अच्छा। नहीं बोल रहे गौतम ऋषि के, आधा राती के जाके बोल रहे गौतम ऋषि घर पर, तब इतना बड़ा बाउंडर खड़ा भइल, उनके औरत पत्थर हो गई। अच्छा। अब अहिल्या के तारत में भगवान के फिर अवतार ले, तब जाके अहिल्या के तारण भइल, तब से ब्राह्मण कसम खेले कि मुर्गा तोहल के समूल नष्ट ना हो जाए, तो हमने खाए छोड़ जाना है, तब से ब्राह्मण खाए लगे। अब तो लोग काहे खाए लो बताओ, वो बेचारू अक्का बक्का उनके ठीक हो गए। ये सब विवादित बात यहाँ के लोग की। देखिए बहुत अच्छे मतलब विचारों के हैं, ऐसे ऐसे कभी मतलब दिल खोल के अपनी बातों को भी आपको समझाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समझाते भी हैं, और कोई मतलब एक शब्द के बहुत अंतर होते हैं, बहुत उच्चारण होते हैं, और आपने आपने अपने अभी सुना भी। और एक और इनका विवादित बयान है, ये दोनों थोड़ा सा साट काट में मार दीजिए। इस पर क्या है कि इस पर विवाद यूं मच गया था, एक कार्यक्रम के तहत हमने पढ़ दिया उसमें, तो कुछ लोग पार्टी विशेष के लोग, अब नाम नहीं रखूंगा, वो भड़क गए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि हमने किसी को लेकर नहीं कहा, और आज मैं सही बताऊं चांद भाई, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसमें गुंडे चोर हत्यारे नहीं शामिल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कवि का मतलब ये होता है ना कि उसके दिल में जो आवाज आती है वो किसी पे ये बैंग नहीं कसता है, वो अपनी आवाज को आपके सामने देता है, तो ये सत्यता होती है, आप सुनिए। तो इसको लेकर के कविता हमने कही कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, और साधग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, और हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। सुन लीजिए, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल, और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे। क्या बात कही है, आप बारीकी बिल्कुल समझे, बहुत ही बारीक, बहुत ही मतलब अच्छी वक्ति की, रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। बिल्कुल। और दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टापर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर
टापर हुए बिहार के रफ्तार में शामिल, और जो विवादित पंक्तियां हैं निवेदित करता हूं जात भाई, बिल्कुल बिल्कुल, कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे होते हैं वह पहले इफ्तार में शामिल, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टापर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल। क्या क्या बात करी है, सुनिए, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं कतार में शामिल। पहले जो गुंडे होते थे वो हफ्ता वसूली करते थे, अब गुंडों से बड़े बड़े संत हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों के हो गए हैं वो कतार में शामिल, और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है। सुन लीजिए सर, प्रेमी बादशाह यही है, प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। वाह वाह वाह, आजकल बहुत सारे कवि दरबारी राग गाने लगे हैं। एक नेता का जसगान गाया और कल से उसकी नौकरी पक्की, कल से उसका तनख्वाह पक्का, कल से उसके बड़े बड़े कार्यक्रम पक्के हो गए, और ऐसा मैंने कभी जीवन में नहीं किया। आज जो चांद भाई कह रहे थे कि मैंने धन नहीं कमाया है, यही कमाया है, तो ये सच्चाई है मित्रों, यही मैं कमाया हूँ, बाकी धन तो सच में नहीं कमाया हूँ, कमाया बिल्कुल नहीं, तो बहुत सारे बड़ी बड़ी कोठी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास भी होती है। अगर आज ही आज कल से मैं दरबारी राग गाने लगा, नेताजी का चरण पकड़ने लगा, तो मैं भी वैसे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है मित्रों। मैं धन्यवाद करता हूँ चांद भाई, आप हमारे यहाँ आए, और चांद बाइकर नेपाली के नाम से भैया का चैनल खूब जबरदस्त आप सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे दिखिएगा तो फॉलो करिएगा, कभी मन में आए तो बादशाह प्रेमी सर्च करके हमारे भी छोटे से चैनल को आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मित्रों में शेयर कर सकते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमको इतना सारा आपने टाइम दिया, और ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये पूरे 40 साल का 50 साल का ये कमाई है इनकी, पैसा नहीं कमाया लेकिन नाम कमाया और ये मेडल्स कमाए हैं, और जब दुनिया से लोग जाते हैं ना तो उनकी यादों को ही लोग याद करते हैं, और धन को नहीं याद करते हैं, उनकी यादों को, उनकी जो विचारधाराएं होती हैं उनको याद करते हैं। तो ऐसे शख्स को आप सपोर्ट करें, और बादशाह प्रेमी को फेसबुक और यूट्यूब पे जरूर सर्च करें, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में, एक नई अंदाज, एक नई जानकारी लेकर, तब तक सभी दर्शकों को धन्यवाद।